135 इसका कहाँ तक करोगे कमी ये बताओ, 85,000 रुपये का, ठीक है। तो क्या मांग रहे हो? 180 है ना, कमी हो जाएगी एक जन में, अंदाजा नहीं। इसकी 4.5 4.5 अच्छा करें, इसके 5.5 लाख, इसका 5.5 लाख भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग मलिया मंडी में फिर आए और आप लोग के लिए एक अच्छे से अच्छे जानवर लेकर आते हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अभी मंडी में आए हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे मंडी में काफ़ी जगह रश है और आगे पीछे जो जानवर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सबके सब इंतजार में होते हैं कि मैं आपको जल्द से जल्द और अच्छे से जानवर दिखाऊँ, तो ठीक है, तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आज मैं मलिर मंडी में आया जिस तरह से बहुत रश है, इनसे बात हो रही थी भाई से, तो इनसे पता करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके कितने जानवर लेकर आए आप? 32 जानवर। कौन सी जगह से लेकर आए? नौशहरा फिरोज से। अच्छा, बताएंगे कौन सी जगह आपके जानवर खड़े हुए? ये खड़े हुए ये वाले गाइस, मैं आपको ये जानवर दिखाऊँ, ये जो सारे लाइन से खड़े हुए हैं ये इनके हैं जानवर, और सारे के सारे ये वाले जो हैं सारे के सारे इनके जानवर हैं। और अब इनसे पूछते हैं, जाहिर सी बात है तकरीबन 32 जानवर कह रहे हैं कि इनके आए हैं, ठीक है। इस तरफ आ जाइए ताकि इस तरफ आपके जानवर भी आएंगे, आ जाइए आप भी आ जाएंगे ना जी भाई। अब ये है कि जहाँ से आप कह रहे हैं नौशहरा फिरोज से आप जानवर लाएँ, किस दिन लाएँ जानवर, कितने दिन हो गए? सातवां दिन। अच्छा, तो तकरीबन आजकल क्या आपको कराची में आके क्या लगा कि रेट सही है या फिर आराम से बिक जाएंगे या फिर रेट सही है? जैसे लोग आते हैं ना कि लगाए 10,000 लाख वाले जानवर, पता चले 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? सही है रेट माशाल्लाह, सही है। वैसे एक बात है कि आपके जानवर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, जो जो भी जानवर मेरे जिस पे भी नजर पड़ रही है सब फैले हुए जानवर हैं, खूबसूरती है माशाल्लाह, खूबसूरती भी है और अम्बलक भी है, पटेरी अच्छा भी है माशाल्लाह, जो भी है। अच्छा, आपके पास महंगा वाला सबसे महंगा जानवर कितने लाख तक का होगा? 5 लाख। और सबसे कम वाला? कम वाला 4 लाख। सबसे कम 4 लाख, इससे कम में नहीं है? अच्छा, जो आप बता रहे हैं सबसे महंगा वाला 5 लाख वाला, बताएंगे मुझे कौन सा है? जी आइए, सामने खड़ा हुए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए ये कितने दांत है? ये दांतों में दो है। ये कितने दांत है? ये दांतों में दो है। ये दांतों में दो है। अंदाजा इसका कितना वजन होगा? ये 6 मन से ज्यादा है। हाँ सही, इतना तो होगा। और क्या मांग रहे हैं इसका? 5 लाख भाई। अच्छा, इसका बोल रहे थे आप 5 लाख रुपए जो है। अच्छा, और ये वाला जो है? ये भी दांतों में दो है। ये भी दो है। इसका क्या मांग रहे हैं? इसके 5.5 लाख। इसका 5.5। और ये वाला? ये भी दांतों में दो है। अच्छा, इसका? इसकी ये 4.5। 4.5। अच्छा, इसमें उसमें कुछ इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, तो इसके पैसे कितने हैं? जिन्स जिन्स के पैसे होते हैं। अच्छा, नस्ल के? नस्ल के है ना। वैसे तकरीबन गोश्त तो इसमें भी वही होगा, वजन तो है ना। और उसके आगे वाला ये जो है? आगे वाला वो भी है सागर। अच्छा, आप जो 4 लाख का कह रहे थे छोटा वाला, वो कौन सा है? वो आगे खड़ा है, वो सबसे आगे। अच्छा, वो भी इसी कलर में जो है? जी जी। अच्छा, ये जो सफेद वाला है? सफेद वाला वो जो है ना जी, 4.80 का है, वो पिछले वाला जो है वो 4.90 का। अच्छा, ये बताएं, ये तो आप रेट बोल रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है हमें रेट ज्यादा बोलने भी पड़ते हैं, कोई अगर आता है आपके पास तो कितनी कमी हो जाएगी एक जानवर में? अंदाजा नेक होता है ना? हां वो बिल्कुल निकाल। अच्छा, अपना टेलीफोन नंबर बताएं। 0301 2027 2027 469 469। जी गाइस, जिस तरह से मैंने आपको जानवर दिखाया है ये मलिर मंडी में जो है, जैसे आप आएंगे अंदर आएंगे मलिर मंडी में तो तकरीबन जो है शुरू में ही किसी से पूछेंगे तो फौरन पता चल जाएगा 32 जानवर लेकर आए और बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवर हैं। जिस तरह से मैंने आपको जानवर दिखाए इंशाल्लाह और भी कह रहे हैं कमी अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि अभी रेट ऐसे नहीं बता रहे फिक्स, और अभी अभी लेकर आए तो सारे जानवर भी खाने पीने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान दो घंटे। अच्छा, 2 घंटे आपको मंडी में हो गए, तो क्या अभी तक क्यों नहीं मिला जानवर के रेडी हो? अच्छा, आपको कितने तक का चाहिए? 2 लाख। अब मैं आगे चलते जा रहा हूँ, चलता हूँ आगे चल के दिखाता हूँ आपको और जानवर। जी गाइस, एक और सौदा हो रहा है, अभी ज़्यादा से खड़े हुए बातचीत चल रही है और आप लोग ले रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे बच्चे खड़े हुए सारे, इंशाल्लाह देखें अभी इनसे बात करते हैं कितने की है क्या है। कितने दाँत है भाई ये? 2 दाँत। क्या मांग रहे हो? 180 है ना, 180 मांगे इन्होंने, और अभी देखें अभी जो खड़े हैं उनसे पता चलेगा कितने मांग रहे हैं वो। आप कितने कह रहे हैं? आ जाए अंदर आ जाए, इतने साथ खड़े रहिएगा ना तो आपके भी। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ये 180 कह रहे हैं है ना, आपका कहाँ सा का अंदाज़ा है कि कहाँ तक लेनी चाहिए? मैं तो 20 बोल रहा हूँ भाई। हाँ बोलो। मैंने बोल दिया इसको क्या? 135 तो 15,000 का तो फर्क है, थोड़ा बहुत कुछ सिस्टम करो इंशाल्लाह मिल जाएगा, तुम्हारा भी बिक जाएगा, इनका भी आ जाएगा, मिल जाएगा इनको। क्यों तेरे को मैं कहाँ से कहाँ लेके आऊँ, तेरे को इतना बराबर दाम दे। अरे तो ये भी 1 लाख रुपए से अगर किसी को ये दे दो, चलो 21 का चलो वो बढ़ा दिया उन्होंने, इधर तो आओ तुम तो भाग रहे हो यार। यार कोई ऐसी बात गलत बोल दी क्या इन्होंने? हैं बोलो। 21 बोल दिया।
नहीं चलो मसला नहीं, तुम्हारी मर्जी। अच्छा थोड़ा बहुत तो कुछ कम कर दो, जैसे भाई ने बढ़ाया। ये सामान लेने के मूड में है लेकिन अभी वो उसका मूड नहीं लग रहा, वो देखिए उस तरफ रहा है। हाँ भाई आप लोग भी साथ हैं, चलो अच्छी बात है, ये सारे बच्चे साथ आए हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, जब बच्चे बोलते हैं तो राजू जब भाई बोल रहे हैं। भाई ये जो है गाइस आप देख रहे होंगे, गाय वाले का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, वो मूड उस तरफ करके खड़ा हुआ है। कम से कम मुंह उस तरफ करके बात तो कर लो, कहते लो ना लो हंस के तो देख लो, तुम तो बिल्कुल ही मुंह ऐसा लग रहा है, तो तुम्हारी पत्नी लड़ाइयाँ चल रही है, खानदानी लड़ाई है ना, ऐसा तो नहीं, खानदानी लड़ाई तो नहीं है, तो बात तो कर लो, नींद देना नींद दो। ये बात इतना बराबर दाम दिया और क्या बोले, तो कितना बोला है और कुछ कोशिश तो करो, कहाँ तक होगा। वो तो देखो ना बंदा लेने के लिए खड़ा हुआ है, पूरी अपनी फैमिली लाया, देखो बच्चे बच्चे सारी चीजें लाया, किसी चीज का तो ख्याल कर लो। नहीं आपने कितने बोले आखिरी, 22 अच्छा तुम अपना एक ही बोल दो, आखिरी बोल दो, चलो इधर कैमरे में आखिरी बोल दे, इधर समझ आया ठीक है, तीसरी और चल आखिरी तू बोल दे, चलो आखिरी कितना कह रही है आखिरी जी, फिर मसला हो जाएगा ना। नहीं नहीं वो तो जाहिर से पता, ऐसे बात थोड़ी है, काफी नजदीक आ रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अच्छा राउंड लगा के आता है थोड़ा, ये भी ठंडा हो, हम भी ठंडे हो जाए फिर इंशाल्लाह। जी गाइस इस तरह से मैं थोड़ा सा चलते हुए आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ सौदा वौदा हो रहा है, काफ़ी रश लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है आपको दिखाते हैं कि कोई जानवर खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, इस हिसाब से खरीद चुके हैं ना इधर भाई, खरीद लिया जानवर, खरीद लिया जानवर, खरीद लिया, कौन सा वाला खरीदा है, पाँच माल माशाल्लाह, कौन कौन से जी। जी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने 5 जानवर खरीदे हैं, 1, 2, 3, 4 पाँचवा वो है ना भाई, कितने यानी एक जानवर ये वाला जो है अंदाजन कितने का खरीदा होगा आपने, 50,000। अरे पब्लिक पागल हो जाएगी मलिन में, पौन दिन से आप सुबह अभी रश लग जाएगा थोड़ी देर में, बाद में आ जाएगी इजार से बात है, 50,000 में अगर ये इसकी खाली मिले तो वो ले लेंगे, 3.5 लाख के दाम के खरीदे तकरीबन, कम ज्यादा वो जो नहीं, कमती बढ़ती नहीं है अभी तो 14 है, यानी कोई छोटा या बड़ा जोड़ा जो भी 3.5 लाख में आ गया ना उसमें ये चीज़ नहीं हुई। गाइस जिस तरह से उन्होंने बताया है कि 3.5 लाख रुपए में एक ही जानवर जो उन्होंने खरीदा है, और माशाल्लाह अच्छे भरे हुए जानवर हैं, अंदाजा एक उसमें कितना वजन होगा, 5 मन के, 5 मन से ऊपर, और दांत कितने, सबका सौदा यह है, 2-2 दांत जानवर हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, और माशाल्लाह से इन्होंने 5 जानवर यहाँ से खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम्हारे पास कितने जानवर हैं, 4 है भाई, 4 कौन कौन से, एक ये जानवर है गाइस जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और दूसरा ये, ठीक है दूसरा ये जानवर है इनका, अभी वो भी अच्छी तरह से दिखाता हूँ आपको, दूसरा ये है, अभी मैं आपको इनसे बात भी करता रहूँगा उसके बारे में बताता रहूँगा, और चौथा वो है, ठीक है ये कह रहे हैं पक्का खीरा है, तो पक्का खीरे पे कुर्बानी है, अक्सर ऐसा होता है ना कि खीरा ज़्यादा नहीं होता, कम होता है लेकिन पक्का नहीं होता। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि ये जानवर जो है कितने का है, 85,000 रुपये का, ठीक है, और कितना वज़न होगा अंदाजन इसमें, 2 से तकरीबन 2 या 2.5 तक होगा। हाँ। और ये वाला जो जानवर है कितने दांत है, ये 2 दांत है, 2 दांत है, उसका क्या मांग रहे हो, 135, इसका कहाँ तक करोगे कमी ये बताओ, ये 32 का, बस 3,000 रुपये कम होंगे। हाँ। अच्छा और इसका क्या कमी करोगे जी, इसकी क्या कमी करोगे, इसका 2,000 रुपये क्यों छोड़ रहा, वो भी नहीं छोड़ो और क्या फायदा, क्या अगला इतना खर्चा कर रहे तो वो भी नहीं। अच्छा मोबाइल नंबर बताओ अपना, नंबर बता दो, चार्ज नहीं है। अच्छा जी गाइस जैसा मैंने आप इनके जानवर दिखाए हैं तो इनका अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है और इनको मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, लेकिन ये मलिन मंडी में है और इनके जानवर अगर आपको पसंद आते हैं तो आके देख रखना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई क्या मांग रहे हो इसका, है 4.5, कितने दांत है, 2 दांत है, पैरों में 4 हैं, पक्की बात है, अच्छी बात है, कहाँ तक कमी हो जाएगी, ये 4.20 तक हो जाएगी, 4.20 तो बहुत गंदा फिगर होता है, 420 में आ जाता है, चलो आपके दादा में 3.20 का कर देंगे, 3.20 है ना। चलें गाइस जिस तरह से देखिए उन्होंने एकदम से इतने प्राइस कम कर दिए, लेकिन अभी जब आप लोग आएंगे लेने के लिए तो अच्छा खासा और भी कमी हो जाएगी। अच्छा मोबाइल नंबर बताओ, नंबर नहीं है। अच्छा इनके पास भी मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन ये है कि आए जी गाइस अब हम मंडी में चलते जा रहे हैं, और चलते चलते ये है कि आपको और भी जानवर दिखाते हैं, जैसे आपको ये जानवर दिखाया पसंद आएगा इंशाल्लाह दूसरा जानवर दिखाते हैं। ये देखें लाइट्स तक जल गई हैं, आपको हो रहा होगा जिस तरह से लाइटें जलने शुरू हुई में सिस्टम, आप भी साथ हैं जी। अच्छा कितने की खरीदी, 1,65,000 जी। अब यह है कि गाड़ी की बात कर ली,
जी जी गाड़ी की बात, गाड़ी की बात कर ली है। इनकी गाड़ी जो है जानवर जो है इनका गाड़ी में दिखाते हैं चलते चलते, और जिस तरह से इनके गायें जो है भी मैंने भी सही तरह नहीं देखी कि आगे हमने गायें खरीदी है बहुत अच्छा। ये वही है जो गाय मैं पहले की बात कर रहा था, ठीक है। और इस तरह से देखें ये वाला जानवर है जी, अब उस तरफ आ जाए ना जानवर के आपकी तस्वीर आएगी आराम से जी। गाइस इस तरह से देखें ये जानवर जो इन्होंने ख़रीदा है, ये इन्होंने भाई ने ख़रीदा है, और ये एक अच्छा जानवर है। इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको, अब ये गाड़ी भी चढ़ने वाला है, और ज़्यादा से बताइए जिस तरह से देखें यहाँ पे जो है ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ी वाले से इस वाली गाड़ी अच्छा चलो अच्छी बात है। आप लोग साथ हैं सारे हैं, आपका नाम क्या है? चेतरा है ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासीन। अच्छा सौदा किसने किया था, आपने किया था या इन्होंने भाई ने किया था? चाचू ने। चलो अच्छी बात है, जिस ससुर के लिए तो बातचीत चल रही है, किससे बातचीत हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर ये जानवर चढ़ाएंगे। ये देखें यहाँ से ये ओहो बच्चे को, हाँ मजाक वाली बात थोड़ी, बच्चे को चढ़ाना चाहिए था। ये जानवर काफी वो हरकतें कर रहा है चढ़ने के लिए, देख रहे होंगे। ये जानवर चढ़ चुका है ठीक है। तो जिस तरह से अब यह है कि बस वो मंडी का गेट आने वाला है, जिस तरह से आपको गेट दिखाऊं वहाँ से, ठीक है। और यह है कि अब मैं वहाँ पे गेट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से अपने घर की तरफ निकलूँगा। जिस तरह से देख रहे हैं काफ़ी रश हो रहा है, ठीक है, रश के अंदर गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।